क्वेश्चन पीसीबी साइंस फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और नीचे दी हुई बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं आपको प्लाज्मोलाइसिस टाइप। प्लाज्मोलाइसिस टाइप हमारी पिछली वीडियो में प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पूर्ण विस्तृत वर्णन किया गया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों प्लाज्मोलाइसिस टाइप हम आज पढ़ेंगे। प्लाज्मोलाइसिस टाइप 3 प्रकार से होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के साथ और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के साथ और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के साथ जो होता है तो सेल यदि वाटर में डाली जाती है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा होता है कि अंदर सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है वो बाहर विस्तृत होने लगता है, या सेल के अंदर का जो कहा जाए तो द्रव होता है वो बाहर विस्तृत होने लगता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। दोस्तों प्लांट सेल जो होती है ये वाली, तो प्लांट सेल यदि हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारा ये एक अंतःगमन भी होता है और बहिर्गमन भी होता है इसमें। दोस्तों मतलब सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है या जल होता है वो बाहर भी जा सकता है और बाहर का जल अंदर भी आ सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। और दोस्तों प्लांट सेल के जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, वह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्लांट सेल सॉल्यूशन में डालने पर प्लांट सेल को ये सिर्फ बाहर से अंदर की तरफ ही जा सकता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में द्रव। तो दोस्तों ये होता है प्लाज्मोलाइसिस का टाइप। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और नीचे दी बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।